नमस्कार, जेवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के छोटी खाटू से है, जहां मंगलवार को कस्बे के बाजार पूर्ण रूप से बंद रहे। आपको बता दें कि रविवार को प्रशासनिक अधिकारियों और व्यापारियों की हुई बैठक में कस्बे में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सर्वसम्मति से बंद का निर्णय लिया गया था, जिसकी पालना करते हुए व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रखे। आवश्यक सेवाओं में मेडिकल स्टोर खुले रहे व फल व सब्जी मोहल्ले में विक्रय की गई। बंद का निरीक्षण करने के लिए सरपंच रणवीर सिंह राठौड़ व पूर्व सरपंच कल्याण सिंह राठौड़ ने लोगों के साथ कस्बे में भ्रमण कर गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों से पालना करने की अपील की। निरीक्षण के दौरान जलिया इलेक्ट्रॉनिक्स व फर्नीचर हाउस खुला मिला व एक विवाह का सामान विक्रय करता पाया गया, जिस पर सरपंच व पूर्व सरपंच ने बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों को बुलवाकर दुकान सीज करवाने की बात कही। इस दौरान प्रदीप वैष्णव, मानक भंडारी, शिम्बू सिंह, कैलाश, महावीर सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। छोटी खाटू से गौतम सोनी की विशेष रिपोर्ट। अच्छा, जेट लेट लॉकडाउन पूरा गांव साथ है, पूरी पुलिस साथ है, सगलो पूरा गांव सा की दुकान खुली को निकाली, ओई बेचे और कोई को बेचे गम में। अच्छा, ये गाड़ी पूरे माल के भरा चुके है और कोई बंदी गम में कोई सा की दुकान खुली को नहीं कटे है, कोई दार देख लियो कटे नहीं गांव बापड़ी पुलिस है पूरी पूरी गश्त में लाग मिले दोपहर में सुता रात का फिर सारी काल यहां बाद आज सुबह लग गया कटे कोई दुकान को नहीं खुलवा दी पुलिस वाला चौकी वाला तो लाग लिया बापड़ा सुबह शाम तक चौकी और थानों तो लोगों का गश्त पर है पूरा गश्त पर और पूरा मार्केट बंद है। एक ही दुकान खोल के माल दिए सामान दिए और कोई कम दियो और भी दुकान घनी है कम ठीक